इसके लिए ना इसके स्ट्रेस लेवल को मिनिमाइज करते हैं अकोस्टिक प्रोटेक्शन के जरिए वो कैसे होता है कि हाई सो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज वाइब्रेशन प्रोटेक्शन इज इसमें वही आपने बताना है, ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं यही आपने एक्सप्लेन करना है सो डिस्ट्रप्शन ऑफ बिल्डिंग्स कैन बी अवॉइडेड फ्रॉम द अर्थ को एक बाई अकोस्टिक प्रोटेक्शन वो जो हमने बताया ना कि वॉल्स के ऊपर हम लोग सीलिंग को इस तरह प्लेस करते हैं कि उसके अंदर जो हम साउंड को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं अर्थ को एक वारा से भी ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है इट रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड द डेल्पमेंट एक्टिविटीज के अगर हमारे आस पास ना कोई कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट एक्टिविटी हो, हो रही है तो उसको भी वो प्रोटेक्ट करेगा आसपास की एक्टिविटी को क्योंकि उसके अंदर हमारे पास ऐसी हमने प्रोटेक्शन लगाई हुई है वॉल्स को हमने साउंड प्रूफ किया हुआ है या इसके अलावा हमने Curtains या रक्स का इस्तेमाल किया बिल्डिंग में इन तमाम चीजों से हम साउंड को एब्जॉर्ब करवा सकते हैं आपने इस क्वेश्चन को ऐसे ही लिखना है कि सबसे पहले अकोष्टिक प्रोटेक्शन की डेफिनेशन और उसके बाद आपने बता दें कि किन किन चीजों के जरिए हम अकोष्टिक प्रोटेक्शन कर सकते हैं अपनी सराउंड